नाइन्थवीं क्लास नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। इस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये ए बी है हमारे पास, ये सी डी है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस आपस में। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यदि ए ओ सी बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों अगर 70 डिग्री हैं, बी ओ डी 40 है, बी ओ डी ये वाला एंगल 40 है, तो बी ओ ई ज्ञात करना है हमें और सी ओ ई, बी ओ ई और सी ओ ई ये दोनों एंगल निकालने हैं हमें। चलो देखो उत्तर, देखो जैसे ये हमें ए ओ सी एंगल दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री दिया है। अब इन दोनों का सम 70 डिग्री है बट हमें जो है यहाँ पे इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखो ए ओ सी कितना दिया हुआ है, ए ओ सी ये 40 डिग्री है। अब ये ए ओ सी 40 क्यों है, क्योंकि जो बी ओ डी है वो 40 है आपका, ए ओ सी जो है वो भी 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जो बी ओ डी है वो ए ओ सी के, ये दोनों इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो बी ओ डी जो है वो ए ओ सी के इक्वल होगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, तो ये हमारे पास 40 डिग्री एंगल आ गया, प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। बी ओ ई जो है, अब ये 40 हम उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, 70 माइनस 40 कर देंगे तो आ जाएगा 30, तो बी ओ ई एंगल हमारे पास आ गया 30, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो हमारे पास ए ओ सी सी ओ ई ई ओ बी 180 डिग्री है, रेखा कोण 180 होता है। जैसे ए ओ सी सी ओ ई बी ओ ई ये और ये तीनों एंगल जो है, इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि यह है रेखा कोण, ये 40 है तो ये भी है 40 डिग्री। अब सी ओ ई निकालना है हमें, ये वाला एंगल, तो ए ओ सी हमें 40 दिया है, ई ओ बी हमें 30 दिया है, सी ओ ई निकाल सकते हैं हम, 40 प्लस 30 70 होता है, 70 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी ओ ई कितना आ गया 110, तो सी ओ ई एंगल कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई एम एन आपस में ओ में काट रही हैं आपस में। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, ए बी रेशो 2:3 है, इन ये पूरा एंगल रेशो में डिवाइड कर दिया है, ए रेशो बी में 2:3 में, तो सी ज्ञात करो, तो ये सी एंगल निकालना है हमें। अब ए रेशो बी 2:3 है, तो हमें मान सकते हैं ए एंगल 2x हो जाएगा, बी 3x हो जाएगा। अब क्योंकि जो ए और बी जो रेशो दिया हुआ है वो पी ओ एक्स का दिया है, और जो पी ओ एक्स है पूरा 90 डिग्री एंगल है, तो मतलब जो एंगल ए है और एंगल बी है इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। अब अगर इनका 90 डिग्री सम है, ए भी दिया है बी भी दिया है, 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 90/5 दैट इज 18, तो x की वैल्यू आ गई, तो ए बी एंगल आ जाएगा 18 × 36, 18 × 54 36 डिग्री और 54 डिग्री, ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास ए और बी। अब बी एम ओ एक्स जो है वो एन ओ वाई के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये एंगल जो है हमारा आ जाएगा 54 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ आ जाएगा एन ओ वाई इक्वल टू बी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एन ओ वाई 54 आ गया। अब ये रेखा कोण है हमारे पास पूरा 54 प्लस सी,
पूरा 180 डिग्री है, तो सी प्लस 54 इक्वल टू 180, एक्स ओ एन प्लस एम ओ वाई इक्वल टू 180। ये रेखा कौन बनाता है, 54 उस तरफ चला गया, 180 में से माइनस हुआ तो 126, तो सी एंगल हमारे पास कितना आ गया, 126। तो यही एंगल निकालना था हमें, सी 126